जय माता जी दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल टर्बन मेकर में। और आज के इस वीडियो में मैं दूल्हे के सर पे जो साफा बांधा जाता है उसको बांधना सिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को पूरे से पूरा देखें ताकि आप इस साफे की बारीकियों को आसानी से समझ सकें। और चैनल के राइट साइड में लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, वहाँ पर दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ लेफ्ट साइड में बेल आइकन घंटे का चिन्ह होगा, जिसको दबाएं ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को देख सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट साइड में जो सब्सक्राइबर बटन है उसको दबाएं और लेफ्ट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि भी तीन वीडियो से आप साफा इसी तरह से कैसे बांध सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पानी से छिड़काव करना है इस पर ताकि साफे की कलफ पहले लूज़ हो जाए, फिर उसके बाद जितनी टाइट हो जाए। अब आपको क्या करना है, ये आधे हाथ के बराबर इसको लेना, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको सिर के इस पीछे इधर रखना है और इसको ऊपर नहीं रखना है। इस बार हर बार मैं आपको बताता हूँ इधर रखना है, लेकिन इस बार इसको आपको साइड में इसकी चौड़ाई जैसे ये है ना, ये थोड़ा ज़्यादा रखनी। और दूसरे आपको जो वर्ड यहाँ देते थे, अब मैं उसको बोलूँगा आपको यहाँ दे पीछे की तरफ, और इसको यहाँ पीछे रख दे। अब ये स्टेप आपको कम से कम 3 या 4 बार फॉलो करना है, ये इस तरफ ये कर दिया और फिर इसको पीछे जाके इधर ये। पहले वाले वीडियो में इस वीडियो में बहुत फर्क है। अब थर्ड, इसको पीछे इस तरफ रख। ये 3 बार अपन ने कर लिया। अब ये चौथी बार वही प्रोसीजर है, इसको इधर लेना है और इसको वापस यहाँ पर ये इसको रख दे। ये 4 बार अपन ने इसको कर दी। अब आप क्या करें, इसको हल्का सा ऊपर ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, इधर वाले को कान के नीचे रखना है। ये 4 स्टेप आपको नॉर्मली समझ में आ गए होंगे। अब इसकी क्या करनी है आपको, सलवटे बहुत इजी वे में सेट करनी ताकि इसकी तरह अच्छी से अच्छी बने। ये देखिए, ये इसकी तरह एक सेट हो चुकी, और इसको भी इतना बड़ा इधर इस तरफ इसको टाइट रखना है। फिर वही प्रोसीजर, ये करने के बाद आपको क्या करना है, इधर से थोड़ा थोड़ा ऊपर लेना। ये सेकंड स्टेप में चल रहे जहां अपन को तह सेट करनी है, ये इस तरह ये देखिए। ये हो गई, अब इसको ऊपर इस तरह ये कर दी। अब इसको थोड़ा ऊपर इस तरह इसको यहां से दबा के ऊपर लेंगे इसको यहां से, ताकि इसकी तह भी और भी सेट होती रहे। अभी अपन सेकंड स्टेप में चल रहे हैं, थर्ड स्टेप नहीं आया। 2 चीजें बताई मैंने आपको अभी तक, अब थर्ड पे चल रहे हैं, थर्ड पे आने वाले हैं। अभी भी आपको तह सेट करनी है, जितनी अच्छी आप तय कर सकते हो, आपकी साफे की बनावट इसी तह पे निर्भर है।
तरह आप इसकी कहें, ये देखिए बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तब आप इसको यहाँ पीछे, हर बार की तरह ये कॉर्नर अपन यहाँ रखते हैं, इस बार नहीं रखेंगे, बस इतना सा फर्क है। ये किया, अब इसको ये सेट करते हैं, वही प्रोसीजर, इसको आपस यहाँ से करके ऊपर ले लेंगे। ये देखिए हो गया। अब जैसा आप देख रहे हैं लास्ट छोर, तो लास्ट छोर को जितना खूबसूरत बना सके उतना बनने की कोशिश करेंगे अपन। ये हो गया, ये देखिए बिल्कुल तरह सेट है। अब इसको टाइटली यहाँ से पकड़कर यहाँ इधर, ये हो गया। अब इसको अपन इसको नीचे से भी ले सकते हैं यहाँ से, ताकि ये डबल कलर मिक्स हो रहा है, इसको बचाने के लिए इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये इधर इस तरह इधर लेके इधर लेके ये बस, और आप इसको ये यहाँ इधर आ जाएगा। अब इस रिमेनिंग पार्ट को आप पीछे छोड़ देंगे, और आप क्या करना है, ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसको आप पीछे से सहार डालना है, ये डालना, फिर इसको आपको दो या तीन आप इसको इस तरह बढ़ दे सकते हैं, एक दो, और जो बचा हुआ पोर्शन है इसको आपको करना है यहाँ पर इस तरह डालना। अब आप इसको सेट कर ले एक बार, अब इसको सही दिशा दे देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं साफे की बनावट बिल्कुल सही है, पीछे आपके पार्ट भी अच्छा छूट गया है, ये गार्ड बन गई है, साफा पूरी तरह से तैयार है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो इसके ऊपर आपने ये रखा है इसको आप ऐसे रबड़ को खोल देंगे, इस रबड़ को खोला, फिर आपको इस रबड़ की जो ये है जो अपन ने बनावट बनाई थी पहले, इसको अगर आपके पास आलपिन हो तो आलविन पैसे इसको लगा सकते हैं, जैसे आलविन है मैं इसको ऐसे सेट करूंगा। बस इस तरह आप सब बांधना सीख सकते हैं। जय माता दी।